लैब टेक्नोलॉजी दिनेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और इस बात का जो है अनाउंस मैंने कम्युनिटी में दिया था और आप लोगों को जो है शुक्रिया अदा किया था कि 50,000 जो है सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप लोगों से जो है बात करना चाहता हूँ कुछ। तो वीडियो को जो है अंत तक आप ज़रूर देखना, बहुत ही आपको जो है मोटिवेशनल वीडियो ये होने वाला है। तो बहुत दिन हो गए हैं, और बहुत दिन तो नहीं, साल हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे मैं कभी भी जो है आप लोगों को मोटिवेट नहीं किया है, लेकिन आज जो है आपको मोटिवेट ज़रूर करूँगा। और चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को भी दबाना, और कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर करना, दोस्तों के बीच में शेयर भी आप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले बात तो ये है कि चैनल का जब मैं शुरुआत किया था तो यही सोच कर किया था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर लैब टेक्नीशियन हैं जिसको इस चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारा सपोर्ट मिल सके। तो मेरा यही एम था शुरू से, और जो मैं काम कर रहा था, मैं चाहता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो जो है मैं दूसरों तक बता सकूँ, वो नॉलेज जो है मैं उनको जो है दे सकूँ, ताकि इस चैनल के माध्यम से वो सीख सकें। और ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है जिसको जो है इस चैनल के माध्यम से जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर सके। तो यही मेरा एम था, और बाकी कोई एम नहीं था। तो बहुत सारा जो है आप लोगों का प्यार मिला, और आप लोगों ने जो है चैनल को इतना सपोर्ट किया, और वीडियोस को देखा आप लोगों ने, शेयर किया सभी लोगों ने, और आज जो है 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, और अलग अलग देशों से जो है इस चैनल को लोग देखते हैं और बहुत सारी बातें जो है सीखते हैं। तो मुझे बहुत सारा खुशी होता है कि मैं अपने काम के साथ साथ जो है ये काम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मेन फोकस आप ही लोगों के लिए है। और कई लोग बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं, तो उनका भी मैं समय मिलता है तो उनका रिप्लाई भी करता हूं, और आप लोगों को जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, और कोई वैकेंसी आता है तो वो भी बताने की मैं कोशिश करता हूं, ताकि उसके माध्यम से आप जो है उस वैकेंसी में जो है आप फॉर्म फिल करके, या इंटरव्यू हो या फिर एग्ज़ाम हो, आप देख करके जो है आप जॉब जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात आपको जो है बताना चाहता हूँ कि आगे जो है चैनल पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे जो है लिंक मिल जाएंगे, जिनको बुक चाहिए उसका भी लिंक मिल जाएगा, और जिनको जो है मेरे को सोशल मीडिया पे, आपको फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पे अगर आपको जो है मेरे से जुड़ना है, तो आप जो है वहाँ लिंक पे जाकर के क्लिक करेंगे तो वहाँ जो है आसानी से आप मेरे इंस्टाग्राम पर पहुँच सकते हैं। तो वहाँ जो है मेरे को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ जो है मैं अगर कोई वैकेंसी आता है तो वो जो है मैं पोस्ट कर देता हूँ, और कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो वो भी मैं जो है पोस्ट कर देता हूँ। तो आपको जो है वहाँ से नॉलेज जो है या इन्फॉर्मेशन आराम से जो है मिल सकता है। तो अब जो है मैं आपको जो है मोटिवेट करना चाहूँगा, मोटिवेट ये करूँगा आपको कि इस फील्ड में जो है लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है अभी नाम चेंज कर दिया है, जैसे आप चैनल को देखते होंगे, ठीक है। तो पहले जो है लैब टेक्नीशियन था, अब जो है चैनल का नाम लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। उसके पीछे भी रीज़न है कि हमारा जो पोस्ट था वो पोस्ट का नाम जो है टेक्नीशियन से टेक्नोलॉजिस्ट कर दिया गया है, अलग अलग स्टेट में, और आने वाले समय में पूरे ऑल इंडिया में भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके पीछे भी रीज़न है कि एक रिस्पेक्टेड पोस्ट हम लोगों का होना चाहिए जो हम काम करते हैं। तो पहले जो है इतना स्कोप नहीं था इस फील्ड में, और लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे इस फील्ड को, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसा होता गया कि इस फील्ड की वैल्यू जो है बढ़ता चला गया, और हर एक हॉस्पिटल में या किसी भी क्लिनिक में अगर किसी पेशेंट का जो है अगर ट्रीटमेंट होना है, तो सबसे पहले उसकी डिसीज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, या उसका जाँच होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो अब आने वाले समय में जो है ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी आते गए और नई नई मशीनें आती गई हैं, तो उसके लिए जो है एक लैब टेक्नीशियन का होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में और भी जो है ये ग्रो करेगा, और वैकेंसी जो है आती रहेंगी, और आप लोगों के लिए। और कई लोग ऐसा सवाल करते हैं कि सर, नए नए लोग आकर के ये सवाल करते हैं कि इस फील्ड में आकर के हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, चांस है या नहीं है। तो आप लोगों से सबसे मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए इस फील्ड को चुनते हैं, तो किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल में मैं किसी बंदे को देखा था, वो कहीं दिल्ली का रहने वाला है, उसका भी एक चैनल था। तो उसको जब मैं सुन रहा था तो उसने अपने करियर के बारे में बताया कि वो इस फील्ड में आना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा के फोर्स करने के कारण उस फील्ड में आया वो, और उसको मन नहीं था, लेकिन जब उस फील्ड में जाने के बाद उसको लगा कि जब मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ, तो उसको अब ये फोकस किया उसने कि इस फील्ड में मुझे करियर अच्छे तरीके से बनाना है। तो उसने जो है कोशिश करता गया करता गया, और उसके बाद जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी का डिपार्टमेंट उनने जो है चॉइस किया सबसे पहले, और उसको चुनने के बाद जो है वो उस काम को पहले सीखा उसने मन लगा करके, उसके बाद जो है
उसका फोकस केवल और केवल हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसके बाद जो है बड़े बड़े जो जितने नामी जो कंपनीज हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पर जाकर के जो है उनने रिज्यूम सबमिट किया, और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू दिया वहाँ, और उसको जो है वहाँ पर सेलेक्ट किया गया, और वहाँ पर जब वो काम परफॉर्म करके दिया और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अच्छा खासा सैलरी भी वहाँ से जो है वो ले रहा है, और उसको उसने अपने बारे में बताया जब मैं सुना, तो ऐसे कितने सारे स्टोरीज़ हैं जिसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन यही एक स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि आपको अपोलो हॉस्पिटल आपने नाम सुना होगा, वेदांता बहुत बड़ा ग्रुप है उसका भी नाम आपने सुना होगा, ये प्राइवेट हैं सब, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट में आप आएंगे तो एम्स है, और बाकी आप अलग अलग स्टेट से हैं तो आपके जो हैं एरिया में आपका जिला अस्पताल होगा, उसके बाद जो है सिविल हॉस्पिटल होंगे, तो ऐसे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बहुत अच्छा जो है आपको सैलरी पैकेज देते हैं, वो 30,000 से ऊपर तक सैलरी देते हैं। उस बंदे ने बताया कि बहुत अच्छा सैलरी जो है वहाँ पर मिल रहा है उसको, और हिस्टोपैथोलॉजी का जो है वो उसने डिपार्टमेंट चुना था, और आप भी चुन सकते हैं, ज़रूरी नहीं हिस्टोपैथोलॉजी, आप जो है पैथोलॉजी में, आप हेमेटोलॉजी में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा है, ब्लड बैंक में आप जा सकते हैं, और बहुत अच्छा जो है सैलरी आप कमा सकते हैं। लेकिन आप ये को दिमाग में आप नेगेटिव थॉट लेकर के चल रहे हैं कि नहीं इसमें कोई स्कोप नहीं है, या फिर गवर्नमेंट जॉब इसमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो मैं बार बार आपको यही चीज़ बताया, अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला तो ये है कि आपको काम परफेक्ट पूरा अच्छे तरीके से सीखना है किसी एक फील्ड में जा करके। आप पूरा काम भी सीख सकते हैं, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि टफ़ है, ठीक है, सारा काम आप सीख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट का, चाहे वो पैथोलॉजी हो, हिस्टोपैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, या फिर ब्लड बैंक हो, सारा काम आपको आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक फील्ड का ही नॉलेज आपको लेना है और बाकी चीज़ों का नहीं होना है। अभी जैसे आप मेरा कंडीशन देखते होंगे, पहले मैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में था, साइटोपैथोलॉजी, उसके साथ साथ मैं बाकी काम भी सीखा, बायोकेमिस्ट्री का, उसके बाद हेमेटोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का भी सारा कुछ काम सीख करके, फिर जब अभी के कंडीशन में हूँ तो सारा टेस्ट जो है हमें परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो आप किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ठीक है। तो ये काम जो है हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारा ये फील्ड ही है, तो सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज हमें होना चाहिए। लेकिन आप किसी एक फील्ड को चुनते हैं, एक डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उसका फुल आपको नॉलेज जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हर एक चीज़ में, तो उसमें जाकर के आप आगे जो है आप अपना स्कोप जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगा, आपकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगा, हिस्टोपैथोलॉजी में तो वैसे ही उसके टेक्नीशियन का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके टेक्नीशियन इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी एक जो है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन के होते हुए। सबसे पहला काम आपको जो है इसमें काम परफेक्ट सीख करके, और आपको क्या करना है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें जो है आपको अपना CV आपके एरिया का या अपने स्टेट का जो है, जितने नामदार बड़े बड़े जो हॉस्पिटल आपको सर्च करना है गूगल में, और वहाँ जो है आपको रिज्यूम जो है या CV जो है आपको सेंड कर देना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको जो है घर में खाली नहीं बैठना है, कोई भी लैब में जा कर के आपको जो है काम अपना कंटिन्यूअस बना करके रखना है, घर में बैठना नहीं है आपको, किसी भी लैब में, छोटे से छोटे लैब में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको काम को जो है रेगुलर करना है। इससे होगा ये, आपका नॉलेज जो है आपका बना रहेगा, और आपका कंटिन्यूअस जो है जब आप उस काम को करोगे तो आपका जो है दिमाग में कोई भी बात बाहर नहीं जाएगा, जो चीज़ें आपने सीखा है वो आपका कंटिन्यूअस बना रहेगा। तो आप जैसे ही इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो चीज़ें आपको आसानी से आंसर देते समय जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद तीसरा चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट वैकेंसी जो है आपको डेली जो है सर्च करते रहना है कि कहाँ पर वैकेंसियाँ निकल रही हैं और कौन सा वैकेंसी कौन एग्ज़ाम जो है कराता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपके स्टेट में गवर्नमेंट वैकेंसी किस तरीके से निकलता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अलग अलग माध्यम से जो है वैकेंसियाँ निकलते हैं, कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको बुलाते हैं, कुछ जगह पर जो है आपको एग्ज़ाम कराते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम होता है और उसके माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। कुछ जगह पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है जब ज़रूरत होता है तो वहाँ पर बुलाते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके माध्यम से जो है गवर्नमेंट वैकेंसी निकलते हैं और वहाँ पर जो है उस वैकेंसी या उस पोस्ट को जो है वहाँ पर भरा जाता है। तो ये नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है रखना इस फील्ड में है तो। और दूसरा चीज़ आपको ये सलाह मैं आपको दूंगा कि आप अपना
खुद का लैब खोल करके भी जो है इसमें अर्निंग बहुत सारा पैसा जो है आप कमा सकते हैं। खुद का लैब खोलने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, वो शर्तों को आपको जो है अभी मानना पड़ेगा। बहुत सारा मॉडिफिकेशन अभी इसमें भी होना है, तो वो चीज़ें जो है अलग अलग राज्य के लोगों ने जो है मांग रखी है सरकार के सामने कि पैथोलॉजिस्ट का होना, जैसे कि कैटेगरी अभी बांटा गया है, जैसे कि बेसिक होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, हाई, तो इस तरीके से जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है अभी लेबोरेटरीज़ को जो है डिवाइड करना है और किया गया है। लेकिन अभी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों का संशोधन भी होना है, जैसे कि पैथोलॉजिस्ट का साइन होना कंपलसरी है या फिर नहीं है, या उनको रखना है कि नहीं रखना है, और कौन कौन से टेस्ट हैं जिसको इंडिपेंडेंट एक लैब टेक्नीशियन चला सकता है, तो उस पर भी जो है इसमें अभी बातें होना ज़रूरी है। तो आप अपना पर्सनल जो है पैथोलॉजी लैब खोल करके, ओपन करके उसमें जो है आप अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम हो गए। पहला चीज़, आपको प्राइवेट जॉब करके, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर बड़ा कोई हॉस्पिटल हो, तो अच्छी अर्निंग वहाँ से हो सकती है आपकी, लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरव्यू बेस या रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर जो है वहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा। दूसरा, मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको जो है फॉर्म फिल करना है और वहाँ के पोस्ट कितने हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज रखना है। मैंने आपको बता दिया, एक परमानेंट जॉब होता है गवर्नमेंट में और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है वहाँ पर जो है आपको रखा जाता है और संविदा की तरह जो है वहाँ पर रखा जाता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अपना एक पर्सनल जो है लैब ओपन करके जो है आप बहुत सारा पैसा उसमें भी कमा सकते हैं। और एक चौथी चीज़ मैंने देखा है इस फील्ड में कि मार्केटिंग, ठीक है, तो मार्केटिंग का भी जो है अब प्रचलन हो चुका है इसमें, कि कोई नया जो है पैथोलॉजी लैब ओपन करता है कोई बड़ी कंपनी, तो उसमें वो क्या करता है, किसी लैब टेक्नीशियन को, उसको सारे टेस्ट के नॉलेज होते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो मार्केटिंग कराते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में जा करके, अलग अलग जो है क्लिनिक में जा करके जो है उस लेबोरेटरीज़ के बारे में आपको जो है बताना होता है कि किस तरीके से जो वो लेबोरेटरीज़ आपको जो है अच्छे से अच्छे क्वालिटी में जो है आपको जो है रिजल्ट देगा या रिपोर्ट देगा और अच्छे तरीके से डायग्नोस करके देगा। और इस तरीके से मार्केटिंग जो है अलग अलग जगह पर एक लैब टेक्नीशियन जा करके करता है और उसकी भी अर्निंग जो है अच्छी खासी होती है, और उसके साथ साथ सैंपल एक जगह से दूसरे जगह कलेक्ट करके जो है उस लैब तक पहुँचाने का काम भी वो करता है, और उसके द्वारा भी अर्निंग अच्छा होता है। तो ये बहुत सारे जो हैं आपके पास रास्ते हैं कि आप इस फील्ड में रह करके आप अच्छा खासा जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, और आप नेगेटिव थॉट बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं करना है उसके पास तो बहुत सारे बहाने हैं कि इसमें ऐसा नहीं है, उसमें वैसा नहीं है, तो जिसको कुछ भी नहीं करना है। और दूसरा चीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप जिस जगह पर हों वहाँ आप पहले सर्च करें कि वहाँ के एरिया में क्या ऐसा कोई स्कोप है, बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है, तो आप वहाँ देखिए। नहीं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बड़ी शहरों में आपको जाना पड़ेगा। बड़े शहर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे और वहाँ बड़े लेबोरेटरीज आपको मिलेंगे, और वहाँ जा करके जो है आप अच्छा खासा पैसा जो है आप कमा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप घर से बाहर ही निकलने का जो है आपके अंदर है नहीं वो बात, तो आप उसी जगह पर रह करके जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उसी तरीके से आपको जो है वही छोटा मोटा लैब आपको मिलेगा और कम सैलरी मिलेगी, और आपका ज़िंदगी भर का यही शिकायत रहेगा, हम यहाँ पर गए और सैलरी हमें जो है 5,000-6,000 रुपये ही मिलता है, उससे ज़्यादा तो कहीं मिलता ही नहीं है। तो ये आपकी गलतफहमी है, आप घर से बाहर निकलें, आपको मालूम चलेगा कि ऐसा नहीं है, 30,000-40,000 से ऊपर भी सैलरी आपको मिलता है लैब टेक्नीशियन को। मैं आपको बता दूँ, कन्फर्म कर रहा हूँ, फिर से कंफर्म कर रहा हूं कि 30,000-40,000 से ऊपर भी सैलरी जो है इसमें मिलता है। लेकिन आपको परफेक्शन चाहिए किसी भी एक फील्ड में, चाहे हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी हो, या फिर आपका जो है माइक्रोबायोलॉजी हो, या बायोकेमिस्ट्री हो, या हेमेटोलॉजी हो, या ब्लड बैंक हो, आपको परफेक्ट काम होना चाहिए। एज ए इंचार्ज जो है आप उस लेबोरेटरीज में जा कर के बन सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, आपका नॉलेज मायने रखता है, आपको कितना काम आता है वो बहुत इम्पोर्टेंस जो है आपके इस फील्ड में रखता है। तो इतना सारा चीज़ जो है मैं आपको बता दिया, और उस बंदे के बारे में भी बता दिया, आज खासा अच्छा उसके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सब है, ठीक है। और मेरे बारे में आपको सबको तो पता ही है कि मैं कैसे स्टार्टिंग किया था, 2000 सैलरी के साथ जब मैं काम स्टार्ट किया था, सीख रहा था काम, उसके साथ साथ जब मैंने रिज्यूम सबमिट किया काम सीखने के बाद, तो उसके बाद जो है मैं हिस्टोपैथोलॉजी का जो है डिपार्टमेंट चुना, और वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने काम सीखा, उसके बाद वहाँ का इंचार्ज बना, उसके बाद जो है जब काम मेरे को अच्छे से आने लगा, फिर दूसरी जगह जो है मैंने बड़े इंस्टीट्यूट पर जो है वहाँ पर हॉस्पिटल में जो है कैंसर हॉस्पिटल में मैंने जो है अपना रिज्यूम भेजा बाय ईमेल के द्वारा जो है,
और वहाँ पर जो है मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन भी हुआ और उन्होंने जो है मेरे को सैलरी जो है 30,000 का ऑफ़र किया। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मेरा जब जर्नी देखेंगे तो इस तरीके से मेरा जर्नी। उसके बाद जो है मैंने एग्ज़ाम भी ऑलरेडी दे चुका था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो वैकेंसी निकला था, और उसके बाद जो है जब उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया तो वहाँ छोड़ करके जो है अब मैं जो है मैं यहाँ पर जो है काम कर रहा हूँ। काम करने के साथ साथ आप लोगों के लिए भी मैं वीडियोस लाते रहता हूँ और आगे भी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आप मेरे से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बाकी लोगों से भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है कहीं से, आपको करना ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, तो उसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। वो आपके अंदर होना है कि आपको इसी फील्ड में आपको जो है आगे बढ़ना है और अपना कैरियर जो है बनाना है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपके पास कोई भी बहाने नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातें जो है आपके समझ में आ गई होंगी और आप मन लगा करके पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और आप पढ़ चुके हैं तो आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, इसमें पढ़ने के काम करने के साथ साथ आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है वो आपके लिए। मैंने तो नहीं किया है, केवल और केवल BMLT है मेरे पास और कंप्यूटर कोर्स है, इसके अलावा मैंने मास्टर डिग्री भी नहीं किया। मेरा मानना यही था कि अगर मैंने ये कोर्स किया है तो इसका मैं पहले फ़ायदा उठा लूँ, चाहे प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, ठीक है। तो वो काम मैंने मास्टर डिग्री नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है वो आप लोगों के लिए, आगे पढ़ने में आपको जो है आसानी भी होगा। और जिनको जो है ये डिग्री कर चुके हैं, कई लोगों का ये भी सवाल है कि PSC फाइट का, बिल्कुल आप PSC फाइट कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने BMLT किया है तो डिग्री कोर्स है ये, उसके बाद जो है आप PSC का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरा फील्ड भी चुन सकते हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ मैं आपको हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि आपको खाली नहीं बैठना है, आपको काम को कंटिन्यू करना है। वो नहीं मिला तो ये तो सही है, ठीक है। तो आपके पास कम से कम एक चारा तो रहेगा कि हाँ, ये आपके लिए जो है करियर हो सकता है। तो आपको मेहनत हमेशा करते ही रहना है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है उस मेहनत को जो है रोक देना है, स्टॉप करके जो है आप किसी एक चीज़ को फोकस करना है। काम करते करते ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप सोचेंगे कि घर बैठ करके जो है आप सब कुछ करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा जो है घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को जो है आपको सर्च करना पड़ेगा, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेना होगा, इन्फॉर्मेशन लेना होगा। कई लोग इतने इनोसेंट हैं, या फिर शायद हो सकता है वो जानबूझ करके जो है अज्ञान बनने की कोशिश करते हैं। कुछ पोस्ट जब मैं करता हूँ तो कुछ लोग जो है उसमें कमेंट्स करते हैं कि सर ये कहाँ का वैकेंसी है या किस जगह का है, कितने पोस्ट हैं, सब कुछ वहाँ दिख रहा होता है, जगह का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी पूछते हैं। मतलब इतना भी कोई अज्ञान नहीं होगा कि सोशल मीडिया चला रहा है तो उसको ये नहीं पता होना होगा कि उसका वेबसाइट में वो चला जाए, या फिर जैसे मैं कई लोगों को बोला कि फ्री जॉब अलर्ट में जो है वैकेंसी दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप ढूंढ लें तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपको PDF फाइल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मेरा काम केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, लेकिन कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप PDF भेज दीजिए, ईमेल सेंड करते हैं, तो इतना जो है मतलब आप इतना भी अनजान नहीं हैं। आप आसानी से जा करके वहाँ पर जो है उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप जो है अपने आप को जो है ग्रो करने की कोशिश करें और नॉलेज को जो है गेन करने की कोशिश करें और थोड़ा सा होशियार बनने की कोशिश करें, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करें, आपसे सब कुछ होगा। मैंने भी कहीं से पूछा नहीं, किसी से कुछ नहीं करता हूँ, मैं बैठ करके जो है खुद सीखने की कोशिश करता हूँ, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ, दुनिया के बारे में सीखने की कोशिश करता हूँ, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी नई चीज़ें आ रहा है हमारे फील्ड में, कौन से चीज़ जो है डेवलप्ड हो रहे हैं, वो चीज़ें जो है जानने का कोशिश मैं खुद ही करता हूँ। मेरे को कोई आकर के बताता नहीं। अभी छोटी सी जगह में मैं रह रहा हूँ, बड़ा शहर में भी नहीं रह रहा हूँ, उसके बाद भी मैं चीज़ों को जो है अलग अलग जगह से जो है नॉलेज को जो है लेकर के जो है आप लोगों से शेयर करता हूँ, उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ, और लोगों से मिल करके भी बहुत सारे नॉलेज जो है मिलते रहते हैं, तो आपको जो है मैं आप लोगों के बीच में वो चीज़ें शेयर भी करता हूँ। तो मैं आपको इतनी सारी बातें बता दिया, और प्राइवेट फील्ड और गवर्नमेंट फील्ड या फिर आपका खुद का सेल्फ जो है पैथोलॉजी लैब, तीनों बराबर हैं। आप कहीं से भी पैसा अच्छे से कमा सकते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा कैरियर है इस फील्ड में, आप अपना कैरियर बना सकते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं लाना है, और इस फील्ड में जब आप आए हैं तो इसमें बने रहिए, काम को अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। तो यही कहना चाहता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है,
और आप लोगों से आशा करता हूं कि जो बातें मैंने बताया है उसको आप फॉलो करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं और बार बार मैं आपसे यही कहूंगा, मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, काम करते रहिए, आपको जो है इसमें पीछे नहीं हटना है, ज़रूर आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो आपको जो है कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, और लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और उसके बाद जो है आपको बुक्स वगैरह चाहिए, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको बुक्स की लिंक्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज सबका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।